सभापति महोदय, सबसे पहले मैं एलओपी महोदय ने बिहार के नवादा के बारे में चर्चा किया, क्योंकि मैं बिहार को प्रेजेंट करता हूं, इसलिए मैं उस पर जरा बोलना चाहूंगा। इन्होंने बताया कि एक मंत्री मिलने गए जेल में। इनको पता होना चाहिए कि वो जेल में तो मिलने गए, मैं इनका बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन किसी प्रकार की क्या नरमी बरती गई, जिन लोगों पर कार्रवाई की गई है, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि बिहार में कहीं भी जात के नाम पर, धर्म के नाम पर अगर लोग सांप्रदायिक तनाव पैदा करते हैं, सरकार सख्ती के साथ उनके साथ पेश आती है। और अभी चर्चा हो रही थी लिंचिंग की, सही बात है, हम लोग सब लोग उसकी भर्त्सना करते हैं, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि हमारा प्रदेश रहा है बिहार ही, जिसमें कि भागलपुर ब्लाइंडिंग केस भी हुआ था, किसके समय में हुआ था। तो हम लोग इन सब चीज़ों में नहीं जाना चाहिए, लेकिन हमारे मंत्री महोदय ने जिस प्रकार से इस चीज़ को कर्व करने के लिए बात रखी है, उसका हम लोग समर्थन करते हैं। और ख़ास करके जहाँ जहाँ इस तरह की फेक न्यूज आती है, और उसके लिए उन्होंने जो ग्रीवांस ऑफिसर्स की पोस्टिंग के बारे में जो बात की है, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। और सब लोगों को मिलकर करके जो हमारा सोशल मीडिया है, इसकी जो अच्छाई है उसका फायदा लेना चाहिए, और अगर बुराई है तो सब लोगों को इसे बचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।